हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी किस तरह से आप आइडेंटिफाई करें फ्रूट्स लेने के टाइम कि वो केमिकली पकाए गए हैं या नेचुरली। जैसे कि फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, बट हम कई बार डरते हैं कि कहीं वो केमिकली पकाए गए हैं, तो उससे हमें जितने हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे उससे ज्यादा हमें उसके साइड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं 5 आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड में बताऊंगी किस तरह से आप उन केमिकल्स को फ्रूट से रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नंबर पे है केमिकली पके फ्रूट्स में पैचेस होते हैं, जहाँ पे भी केमिकल का टच होता है वहाँ पे वो येलो हो जाता है, एंड जहाँ पे टच नहीं होता वहाँ पे ग्रीन फॉर्म में रहता है। तो जब भी आप फ्रूट्स में पैचेस देख रहे हो तो समझ जाए कि वो केमिकली पकाए गए हैं। सेकंड इज, जब भी आप केला खरीदते हैं तो जब भी आप देखेंगे वो केमिकली पकाया होता है तो ओवरऑल येलो रहता है, बट जब वो नेचुरली पकाया जाता है तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं। तो जब भी आप केला खरीदे तो इस बात का ध्यान रखें, अगर वो डॉट्स वाले हैं तो आप उन्हीं को चूज करें। थर्ड इज, जब भी आप केमिकल से पके हुए फ्रूट्स को देखेंगे तो वो ऊपर से तो बिल्कुल येलो होगा, मींस लगेगा कि बहुत ज्यादा पका है, बट जब आप उसको कट करेंगे तो वो अंदर से थोड़े से कच्चे फॉर्म में होगा। इस तरह अगर आपको दिखता है तो समझ जाइए ये केमिकली पकाया गया है। फोर्थ इज कि जब भी आप केमिकली पके फ्रूट्स को खाएंगे तो वो आपको कुछ कसैला सा टेस्ट लगेगा या फिर कुछ बिटर टेस्ट लगेगा, इट मीन्स कि ये नेचुरली पका नहीं है, ये केमिकल से पकाया गया है। लास्ट इस केमिकल से पके फ्रूट्स को खाने के बाद कई बार पेट में दर्द फील हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है या डायरिया जैसी भी शिकायत हो सकती है। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जब भी फल खरीदने जाइए तो अपने माइंड में जरूर रखिए, जिससे कि कुछ हद तक आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स चूज कर पाएंगे। कई बार हम फ्रूट्स एंड वेजेस लाते हैं तो हमें ये हमारे ये माइंड में होता है कि ये केमिकली पकाया गया है, तो हम उसका जो छिलका होता है वो रिमूव कर देते हैं, बट ऐसे करने से फ्रूट्स के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो जाते हैं। तो अगर ऊपर ऊपर लेयर में जो केमिकल है उनको रिमूव किस तरह से आप कर सकते हो बता देती हूँ। पहले तो हम इतना फ्रूट्स और वेजीज को वॉश नहीं करते थे, बट पैंडेमिक के टाइम से हम ऐसा करने लगे हैं। तो वैसे भी हम फ्रूट्स को वॉश करते ही हैं, तो जब भी आप मार्केट से फ्रूट्स या वेजीज लाते हैं तो सबसे पहले 10 मिनट्स के लिए उसे ल्यूक वार्म वाटर में भिगो के रखिए। उसके बाद उसको निकाल के आप, या फिर वो वाटर ही ठंडा हो जाएगा तो उसमें आप 1 kg फ्रूट्स के अंदर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के आप रख सकते हैं कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। तो इससे जो भी अपर लेयर में केमिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। 1 kg वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के अंदर आपको 1 tablespoon विनेगर डालना होगा। इसे भी आप 20 से 30 मिनट के लिए भिगो के रखिए और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश करके निकाल लीजिए। विनेगर भी अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन वाटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में लेमन भी नहीं है तो सिंपली खाने वाला जो सॉल्ट होता है 1 kg में 1 चम्मच आपको वो डालना है और कम से कम 15 से 20 मिनट मिनिमम जो है 20 मिनट के लिए भिगो के रखना है, मैक्सिमम आप 30 मिनट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश करके उसको ड्राई करके रख लीजिए। तो वैसे तो आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे जो है वेजी और फ्रूट्स वॉश करने के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट अगर हम जितने भी नेचुरल फॉर्म में इसे वॉश कर सकते हैं वही अच्छा है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यस तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।